एवरीवन, वेलकम बैक टू सीजी स्मार्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 के मैथ सब्जेक्ट को देखेंगे। यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को लिया है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें का, 6x इज इक्वल टू 28 स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है वो यूज़ हो रही है, तो उसी आइडेंटिटी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यहाँ पे हमें जो ये वैल्यू है इसे इस फॉर्मूले में, इस आइडेंटिटी में पुट करनी है और इसे सॉल्व करना है, और फिर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, दोनों साइड्स को एक साथ सॉल्व करते चलेंगे। 6x इज इक्वल टू 28 प्लस 22 एंड 28 माइनस 22। 6x इज इक्वल टू प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50 एंड इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6। ब्रैकेट है, इट मीन्स ये मल्टीप्लाई है। 6x इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 6। अभी यहाँ पे 6x अब यहाँ पे ये हमें दिया हुआ है, तो अगर हमें 6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए हम यहाँ से ये x को यहाँ हम लिखेंगे 50 मल्टीप्लाई 6 एंड x यहाँ पे रहेगा और ये जो 6 है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके यहाँ पे आ जाएगा। अब ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू हमारे पास बचा है 50, तो ये है x की वैल्यू और ये हमारा आंसर है। इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे हमने इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लिया है, सॉल्व एक्स अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 4 स्क्वायर एंड वेरीफाई द आंसर। हमें पहले इसे सॉल्व करना है और फिर हमें अपने आंसर को वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करने के समय हमें एक्स की वैल्यू 9 पुट करनी है एंड वाई की वैल्यू 12 पुट करनी है। तो सबसे पहले हमें जो ये इक्वेशन दी हुई है हमें सबसे पहले इसे सॉल्व करना है, तो चलिए पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया है हमारा x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और जो भी आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हमें उसे यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे हमने इसके, इस जो हमारी आइडेंटिटी है इसमें इस a है हमारा, यहाँ पे a हमने ले लिया है, a इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3 एंड b इज इक्वल टू है हमारा y अपॉन 4। तो हमें ये वैल्यू इसमें रखनी है, x अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है हमारी x अपॉन 3 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू है हमारी y अपॉन 4 प्लस बी स्क्वायर, इट मीन्स y अपॉन 4 स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे। स्क्वायर मीन्स इसी में इसी का मल्टीप्लाई, तो x में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर एंड 3 मल्टीप्लाई 3 होगा तो ये हो जाएगा 3 3 9। प्लस ऊपर का हम जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर के नंबर के साथ, इसके नीचे कुछ नहीं है इट मीन्स 1 है, तो इसको नीचे के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2xy अपॉन 3 4 12 और 12 1 12। प्लस y को y में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर एंड 4 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 16। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कैंसिल हो सकता है, 2 1 2 एंड 2 6 12। तो हमारा जो इसे सॉल्व करने के बाद आंसर आया है वो है हमारा x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस, रीअरेंज कर देंगे इसे अगर हम, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 16 प्लस xy अपॉन 6।
ये हमें मिलता है इसका सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का। अब हमें इसे वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हमें ये जो हमारा इक्वेशन आया है ये है हमारा राइट हैंड साइड, और हमारा लेफ्ट हैंड साइड है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 होल स्क्वायर। तो हमें इन दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करके इसे वेरीफाई करना होगा। यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया है, अब हमें इसे वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ x और y की प्लेस में पुट करनी होगी। तो x और y की वैल्यू पुट अप करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा x की जगह में हमें x की वैल्यू लिखनी है, x है हमारा 9, तो ये x अपॉन 3 तो 9 अपॉन 3 हो जाएगा, और प्लस y की वैल्यू है हमारी 12 तो ये 12 अपॉन 4 हो जाएगा, और इसका ये होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो सकता है, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 एंड 3 4 1 जा 4 4 3 जा 12। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास बचा है 3 प्लस 3 होल स्क्वायर। तो अगर हम इसे यहाँ पे लिखें 3 प्लस 3 होल स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 प्लस 3 को हम लिख सकते हैं 6 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर का मतलब हो गया 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 36। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे सॉल्व करने पे हमारे पास आता है 36। चलिए राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं। अब ये हमारा राइट हैंड साइड है, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू है हमारा 9, तो ये हो जाएगा 9 स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y है हमारा, और यहाँ पे x और y है तो ये है 9 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 6। अब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करते हैं 9 9 81 अपॉन 9 प्लस 12 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 144 अपॉन 16, और इसे 9 12 जा 108 अपॉन 6। अब यहाँ पे जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल कर देंगे, 9 1 जा 9 9 जा, तो यहाँ पे हम इसे कैंसिल आउट करते हैं, तो यहाँ पे 9 9 और 18 आता है, तो 9 प्लस 9 प्लस 18 इज इक्वल टू 36 हो जाता है, और हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी 36 आया है, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है, तो ये हमारा वेरीफाइड हो गया और ये इसका आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।